नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। बहराइच जनपद के थाना सुजौली में दर्ज एक बलात्कार के मामले में जिले की FCT फर्स्ट अदालत ने 2 महीने के ट्रायल के बाद आज आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें, बीते 25 अगस्त को जिले के सुजौली थाने में दर्ज कराई गई एक FIR में एक महिला ने अपने ही पति पर जघन्य आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। उसने कहा था कि उसके पति ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बीते 2 साल से लगातार बलात्कार किया है। इसकी जानकारी होने पर उसने पुलिस में मुकदमा दर्ज करते हुए दोषी पिता की इस काली करतूत को उजागर किया है। 2 महीने तक चले इस केस में कोर्ट ने इस मामले को जघन्य अपराध मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई। जी, आज एक लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, क्या है पूरा मामला इसका? जी, ये मुकदमा चल रहा था पॉक्सो कोर्ट फर्स्ट में, जनपद बहराइच के श्री नितिन कुमार पांडे साहब की कोर्ट में, राज्य बनाम नानू खां, थाना सुजौली का था। ये अपराध संख्या 122/21 थी और इसमें चार्ज बनाया गया था 376/3, 323/506 और पॉक्सो का 5P/6 पॉक्सो एक्ट में। इसमें FIR दर्ज हुई थी 25/8/21 को FIR दर्ज हुई थी। इस FIR के दर्ज होने के बाद इसमें चार्ज बना इन धाराओं में और फिर इसमें प्रोसिक्यूशन के द्वारा साक्षी, इसकी जो वादी मुकदमा थी इसमें इसका साक्षी, इसका सगा भाई था, 2 अन्य गवाह पड़ोसी थे और इसके बाद इस ट्रायल के बाद आज अदालत ने इनको सभी धाराओं में दोषी पा करके और 5P/6 में इनको आजीवन मृत्युदंड से दंडित किया। ये इनका कृत्य ऐसा था, अक्षम्य था। एक पिता के द्वारा लगातार अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया गया था, एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल थी। इस अपराध को गंभीर मानते हुए, विरलतम मानते हुए कोर्ट ने इसमें फांसी की सजा इसको दी। मेरा नाम संत प्रताप सिंह है, मैं विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट बहराइच हूँ। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।